दोस्तों साउथ के कई ऐसे सुपरस्टार जो फेम के मामले में बॉलीवुड स्टार को भी पीछे छोड़ चुके हैं, हिंदी स्टार में से एक हैं साउथ सुपरस्टार रामचरण। रामचरण के चाहने वाले ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत हैं। रामचरण सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। इसके बावजूद भी एक्टर इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान भी रखते हैं। रामचरण रियल लाइफ में एक राजकुमार की जिंदगी जीते हैं। रामचरण की लग्जरी लाइफस्टाइल में शानदार बंगला, महंगी गाड़ियां समेत कई बेशकीमती चीजें शुमार हैं। तो आइए जानते हैं सुपरस्टार रामचरण की लाइफस्टाइल के बारे में। सुपरस्टार रामचरण के पास हैदराबाद के सबसे पॉश इलाके जुबली हिल्स में एक शानदार विला है। इस बंगले की कीमत करीब 38 करोड़ रुपए है, जो कि एक्टर ने साल 2019 में खरीदा था। इस घर में रामचरण अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। हैदराबाद में एक्टर का यह घर करीब 25,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके अलावा रामचरण के पास मुंबई में भी एक आलीशान घर है। ये घर एक्टर ने साल 2012 में खरीदा था। खास बात यह है कि मुंबई में रामचरण का घर सुपरस्टार सलमान खान के घर के पास है। रामचरण एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी हैं। रामचरण का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है कॉनेडेला। इसके अलावा रामचरण एयरलाइन 2Z के मालिक हैं और साथ ही इनके पास हैदराबाद पोलो राइडिंग क्लब नाम से पोलो टीम भी है। रामचरण महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं, यही वजह है कि उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं। रामचरण के पास करीब 5.8 करोड़ रुपए तक की एक एस्टन मार्टिन, BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज एस क्लास और रेंज रोवर वॉग कार का शानदार कलेक्शन है। एक्टर रामचरण पहले अपनी फिल्मों के लिए 20 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे, लेकिन मूवी RRR में रामचरण ने मेकर से 45 करोड़ रुपए तक की मोटी फीस वसूली है। साउथ एक्टर रामचरण इन दिनों अपनी न्यू मूवी फिल्म RRR को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। मूवी RRR की सक्सेस के बाद साउथ एक्टर रामचरण को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो ये थी साउथ एक्टर रामचरण की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर देना। आपकी छोटी से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और हाँ इसे शेयर हमें ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।